उपहार किसी को देना या लेना ये आम सी बात है। उपहार लेने देने से व्यक्ति को खुशी का अनुभव होता है। आजकल के समय में किसी भी प्रकार का कोई समारोह हो या कोई पार्टी हो, व्यक्ति एक दूसरे को उपहार अवश्य देते हैं। तांत्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि कुछ खास तरह के उपहार लेकर घर में रखने से व्यक्ति की बर्बादी आरंभ हो जाती है। यदि व्यक्ति इन चीजों को किसी से उपहार के रूप में लेता है तो उसके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिसको भूल कर भी किसी से उपहार के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। आप भूल कर भी किसी से डूबते हुए जहाज की मूर्ति उपहार में ना लें और ना ही इस तरह की कोई मूर्ति या तस्वीर अपने घर में रखें, इससे आपको अशुभ फल मिलता है। यदि आप इस तरह की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में रखते हैं तो इससे आपको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। भूल कर भी आप उपहार के रूप में हिंसक जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता की तस्वीर या मूर्ति न लें। भूल कर भी आप उपहार में किसी को चाकू छुरी न दें और ना ही आप उपहार में मिले इस प्रकार की कोई वस्तु अपने घर में रखें। आप उपहार के रूप में चाकू का लेन देन भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके परिवार में कलह का वातावरण बनता है। उपहार के रूप में किसी को काले रंग के वस्त्र ना दें। यदि आपको काले रंग के वस्त्र कोई देता है तो ये अशुभ माना जाता है, इससे दुख, कष्ट और पीड़ा होती है। इस प्रकार के उपहार को मृत्यु का कारक भी माना जाता है। यदि आप किसी को उपहार के रूप में जूते देते हैं तो ये अलग होने का संकेत माना जाता है। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको एक दूसरे को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से उन दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। यदि आप किसी को उपहार के रूप में रुमाल देते हैं तो ये दुख का कारक माना जाता है, इससे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। बहुत से व्यक्तियों को देखा गया है कि वह उपहार के रूप में घड़ी देते हैं, परंतु ये शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इससे जीवन की प्रगति रुक जाती है। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।